साथियों, हमारी सरकार में ये दम नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम सबकी राय और सबके अनुभव को साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी आवश्यकताएं उनकी चिंताएं सुनती है और इसी वजह से अनेक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज के इनोवेटिव सॉल्यूशंस आज निकल रहे हैं। पहले दिन से हमारी कोशिश रही है कि सिस्टम में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंसिटिविटी परकोलेट किया जाए। मैं खुद अनेक बार किसानों से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से, यंग सीईओ से मिलकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्शन करता रहा हूं, उनसे जानकारियां लेता रहा हूं, उनके सुझाव लेता रहा हूं। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे लोगों को फीडबैक हमें सीधे मिलते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है। साथियों, कई बार जो थियोरेटिकल सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट नजर आते हैं वही कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का ओरिजिन बन जाते हैं। इसे तभी समझा जा सकता है जब सरकार संवेदनशीलता के साथ सारी बारीकियों को समझ रही हो। जैसे बांबू पर हाल में लिए फैसला, यूरिया की 100% नीम कोटिंग, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में इंटरव्यू खत्म करने का फैसला, गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराने की बाध्यता खत्म करने का फैसला, ये कार्य पहले भी किए जा सकते थे लेकिन सेंसिटिविटी की कमी ने, जनता से कनेक्ट की कमी ने ऐसा नहीं होने दिया।